17वीं लोकसभा के पांचवें चरण का मतदान प्रारंभ हो चुका है। रीवा शहर के साथ सतना और रीवा मध्य प्रदेश में 7 जगह चुनाव हो रहे हैं, जिसमें विंध की 4 सीटों में 2 पहले हो चुके थे, 2 सीटों में मतदान यहां पर प्रारंभ हो चुका है। हम आपको दिन भर लगातार अपने चैनल के माध्यम से मतदान से जुड़ी हुई एक छोटी सी छोटी खबर, छोटी सी छोटी घटना दिखाते रहेंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं रीवा शहर के मतदान केंद्रों पर और दिखाते हैं वहां का नज़ारा। ऐसे हैं बस उनको बाहर आ जाए, दिव्यांग को बताता है, दिव्यांग बताता है, दिव्यांग बताता है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? ठीक, स्वागत। नमस्ते। अच्छा ठीक है, अंदर मत आना। बात मैडम, सब रखा होगा। अभी आप मतदान केंद्र में आए, आपने कुछ लोगों का सम्मान भी किया, क्या था पूरा मामला, कैसा? ये देखिए, कुछ तो हमारे 9 मतदाता हैं और पहली बार वो मतदान करने आए, तो उनका उत्साहवर्धन करने के लिए हमने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। हमारे कुछ बुजुर्ग मतदाता इतनी उम्र के बाद भी 86 वर्ष की उनकी उम्र थी, वो भी मतदान देने आए, तो उनके हौसले का सम्मान किया कि लोकतंत्र के प्रति उनके मन में श्रद्धा है, आस्था है। कुछ हमारे दिव्यांग मतदाता भाई बहन भी आए हैं, तो उनका भी हमने स्वागत किया, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की है, तिपहिया वाहन की व्यवस्था की है, उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था, पृथक शौचालय की व्यवस्था की है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें किसी भी तरह से लाइन में लगे बगैर प्राथमिकता से वोट देने का अधिकार दिया गया है, और उन्हें लाने ले जाने की मुफ्त में वाहन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। और दिव्यांग मतदाताओं में ज़बरदस्त उत्साह हमें दिखाई दे रहा है, और जो 9 मतदाता हैं उनमें भी उत्साह दिखाई दे रहा है। साथ ही जो हमारी जो धात्री माताएं हैं, गर्भवती माताएं हैं, उनके लिए भी विशेष प्रबंध है। आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए जो है वो क्रेच भी यहाँ पर बनाया गया है। पूरे सतना और रीवा संसदीय क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, कहीं से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। छुटपुट 2-3 मशीनें वगैरह खराब हुई थी, तो वो तत्काल बदल दी गई है, और बाकी शांतिपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित रूप से की गई है, कोई दिक्कत नहीं है। हम मौजूद हैं नगर निगम स्कूल के पोलिंग बूथ पर। दोपहर के 1 बज चुके हैं, 45 डिग्री से ऊपर तापमान है, उसके बाद भी यहाँ मतदाताओं की जिस तरह से भीड़ है, इस लोकतंत्र के महापर्व को लेकर इनके इन लोग खुशियाँ हैं, और इसी को लेकर ही अपना मतदान करने आए हैं। आइए जानते हैं कुछ मतदाताओं से क्या उम्मीद लेकर इस धूप में आए हैं, और क्या किस तरह के प्रत्याशी वो चाहते हैं, किस तरह के आप लोग प्रत्याशी चाहते हैं कि धूप में आप मतदान करने आए हैं? अच्छा हो, जो काम करे उसी की चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं रीवा का विकास हो, अच्छे स्कूल है खुले। आप क्या चाहते हैं? कई बार मैं मतदान केंद्र क्रमांक 147 का बीएलओ हूँ, और यहाँ पे 818 मतदाता हैं, 398 पुरुष और 420 महिला मतदाता, मतदान केंद्र क्रमांक 147 में।
यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार करीब करीब जो भी आवश्यक संसाधन होने चाहिए एक मतदाता के हिसाब से और मतदान कर्मियों के हिसाब से सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा चुकी हैं। जैसे यहाँ पे पंडाल की व्यवस्था, धूप में मतदाता लाइन में लगे उनके लिए पंडाल की व्यवस्था की गई है। कोई हमारी माताएं जो छोटे बच्चों को लेकर के मतदान करने आती हैं तो उनके लिए यहाँ पे बच्चों को महिला बाल विकास विभाग द्वारा झूले की व्यवस्था, खिलौने की व्यवस्था, टॉफी वगैरह की व्यवस्था, जिससे जब तक वो महिला वोट डालें तब तक उनका बच्चा खेलता रहे। पानी की व्यवस्था की गई है यहाँ पे नगर निगम के द्वारा, महिला बाल विकास विभाग द्वारा यहाँ पे रंगोली की व्यवस्था की गई है, रंगोली बढ़िया सजाई गई है। तो जो भी आवश्यक संसाधन है मतदान के लिए वो सभी यहाँ पे मुहैया कराए गए हैं। क्या नाम है आयोग के निर्देशानुसार? मेरा नाम डॉक्टर संतोष शुक्ला। जैसा कि हमारे साथ जो बेलो थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे हर तरह के संसाधनों की सुविधाएं दी गई हैं बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। रीवा दर्शन के लिए मैं शादाब से देखिए एक ही मुद्दा है, मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मुद्दा, और सारी दुनिया की नज़र इस चुनाव में है जो हमारे देश में हो रही है, और सारी दुनिया इस बात को समझ रही है कि मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत महाशक्ति बन के स्थापित हो सकेगा। इसलिए पूरे देश में मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव को बहुत गंभीरता से देश की जनता ने लिया है, ऐसा दिखाई देता है। कई पहली बार आपने मतदान किया, कैसा लगा? अच्छा लगा, ऑफिस की बात है, अच्छा ही लगेगा। पहली बार डाले हैं तो एक्साइटमेंट थी थोड़ी सी, बस वोट डालने। मेरा नाम पायल मंशानी है। आप ये पहली दफ़ा वोट डाल रहे हैं? यस, फर्स्ट टाइम वोट दे रही हूं। क्या अपेक्षा करती हैं अपनी सरकार से, अपने देश के? मैं अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ये एक्सपेक्ट करती हूं कि माय कंट्री डेवलप करे। कैसे, क्या कुछ चीज़ें जरूरी हैं भी अपने देश में? यस, पॉवर्टी को दूर करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, और फॉर मोर प्रोग्रेस। ये सर कुछ बोलने आप लोगों ने वोट डाल दिया? जी सर, करीब कई कुछ लोगों ने जाके डालिए, सभी लोगों को वोट करना चाहिए, ये राष्ट्रीय त्यौहार है। जी, आज रीवा लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान हो रहा है, मैंने अभी जस्ट वोट अपना वोट डाला है। मैं सभी जनता के लोगों से अपील करूंगा कि वो निर्भीक होकर मतदान करें। पुलिस की अच्छी व्यवस्था लगी है, और कहीं उन्हें किसी प्रकार की समस्या आती है तो 100 नंबर पे कॉल करें, मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करें और उसे तुरंत अटेंड किया जाएगा। सभी लोग निर्भीक होकर मतदान करें। थैंक यू। आम आदमी जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइन में लगता है और अपने मताधिकार का प्रयोग करता है, तो फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है, जनार्दन मिश्रा पे फिर से प्रत्याशी बनाया है। आप पहुंच चुके हैं मतदान करने के लिए, भारी भीड़ देखा जा रहा है, उम्मीद कैसी है? बस उम्मीद को बस अपना हमसे लड़के तैयार इस बार तो जनता चुनाव लड़ रही है, इसलिए कोई चुनौती नहीं गई जनता की, आगे कौन टिकेगा। बिंदु क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, पिछले कुछ समय में थोड़ी बहुत तस्वीर जरूर बदली है, लेकिन हालात अभी काफ़ी सुधरे नहीं, क्या मानते हैं? देखिए, यहाँ जब से विकास का काम शुरू हुआ तब से यहाँ जातियों का की जो दीवारें थी, जाति के आधार पर जो वोट मिलते थे, लोग देते थे, मांगते ही थे, नेता जाति के आधार पर ही अपना आधार समझता था। जब से इन 15 वर्षों में विकास की धारा बही है तब से जातियों का जो जातियों की दीवार थी वो उठर थी,
वो धीरे धीरे दूर हो गई। और आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव में जो मार्जिन है, वो मार्जिन इस बात का प्रतीक है कि लोगों ने जात के आधार पर वोट नहीं किया, काम के आधार पर वोट किया। रुकिएगा, इसमें बच्चा लेटे तो अच्छा और लगेगा। बच्चा लेटा था, एक महिला लेके आई थी। लोकतंत्र जो विश्व में हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, पूरा देश इस बार उमड़ पड़ा है वोट देने के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो बहुत सेंसिटिव जगह भी रही है भारत में, वहाँ पर भी लोग खुल के जा रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। इसी प्रकार से भारत का लोकतंत्र अमर रहे, यही हम लोगों की कामना है। एक सेकंड। आइए, ये वाला नहीं, थोड़ा सा और आगे जाए। ये लोकसभा चुनाव सर्वप्रथम तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यकारों के लिए और रीवा के समूचे विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हम सब खड़े हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ही विजय श्री लेकर के आएगी, यही हमारी कामना है। You are too late. आप लोगों ने वोट डाल दिया? जी सर, करीब कोई कुछ लोगों ने जाके डालिए, सभी लोगों को वोट करना चाहिए, ये राष्ट्रीय त्योहार है। जी थैंक यू। आज रीवा लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान हो रहा है, मैंने अभी जस्ट अपना वोट डाला है। मैं सभी जनता के लोगों से अपील करूंगा कि वो निर्भीक होकर मतदान करें। पुलिस की अच्छी व्यवस्था लगी है और कहीं उन्हें किसी प्रकार की समस्या आती है तो 100 नंबर पे कॉल करें, मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करें और उसे तुरंत अटेंड किया जाएगा। सभी लोग निर्भीक होकर मतदान करें। थैंक यू।